फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी ललन वॉइस पे। और आज हम लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, आज हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। और इसके पहले मैंने बताया था आपको कि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो है BCCL के द्वारा बनाया हुआ है, मतलब कृत्रिम बोल सकते हैं इसको। हमारे यहाँ कोयले की खदान है, उसको ओपन कास्ट कहते हैं, उसमें निकाल के बनाया गया है ये, तो वो कृत्रिम है, इसमें पत्थरों और मिट्टियों से बनाया हुआ है। चलिए इसमें ट्रैकिंग करते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। चलिए फिर चलते हैं। ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अभी देख सकते हैं पीछे पथरीले रास्तों के होते निकल रहे हैं। और अभी मौसम बहुत ही क्या बोलते हैं धोखा वाला मौसम है, कभी बारिश और कभी धूप है। तो हम लोग बाकायदा इस रास्ते से निकलेंगे और रास्ता थोड़ा ख़राब है क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो अभी बंद है फिलहाल कुछ दिनों के लिए जो होता है ना। तो फिलहाल अच्छा मौसम है, फिर बारिश ना मिले बीच में। ये रहा पीछे, आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ लिए फिर। और आप देख सकते हैं क्या रास्ते की हालत है यहाँ पे। यहाँ पे बड़े बड़े वोल्वोस वगैरह आते हैं, ट्रक वगैरह, और जो यहाँ पे डंपिंग होता है एरिया फिलहाल अभी जो एक सालों का जो होता है ना आपका लाइसेंस जो भी होता है वो अभी फिलहाल ख़त्म हो चुका है। जैसे ही रिन्यू होगा फिर से यहाँ काम चालू हो जाएगा। तो आप रास्ता देख सकते हैं क्या स्थिति है रास्ते की यहाँ पे, और मतलब कि बहुत ही गंदा हालात है। आप देख सकते हैं ये बारिश हुई थी उसकी है ये, और ये पीछे मेरा भाई साथ में जा रहा है। आप देख सकते हैं मौसम भी सही है। फिर चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बहुत दिन से ख्वाहिश थी इस पर चढ़ने की और एक ब्लॉग शूट करने की। मैंने कहा कि मेरे घर के जस्ट सामने हैं और इसके पहले मैं उस पर गया था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना ये डोली है, इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि रोप वे। ये ब्रिटिश ज़माने का रोप वे है जो इधर जा रहा है ना, ये आपका जमाडोबा टाटा से, और ये इस तरफ जो गया ना ये चास नाला। पहले ये ज़्यादा था आपका वेस्ट बंगाल में, पर अब ये चास नाला तक सीमित है। चलिए ये रहा पहाड़ का फिर से सीन, देख सकते हैं आप। चलिए हमारे साथ। दोस्तों हमें इसी रास्ते से भी जाना है नीचे, और मैं बता दूं कि ये जो मैं जा रहा हूँ ये चंदन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, फिर भी काम बंद है तो हम लोग अब ओपन कास्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा ओपन कास्ट है, यहाँ से कोयला निकलता है। और अगर आप झारखंड से बाहर से हमारे कोई व्यूअर देख रहे हैं तो आप बकायदा देख सकते हैं ये ओपन कास्ट है। बहुत लोगों का कहना रहता है कि कोल माइंस भी है, तो वो क्या होता है कि एक माइंस होता है जिसमें लोग लिफ्ट के द्वारा अंदर जाते हैं, उसके बाद वो कोयला निकाला जाता है। और ये ओपन कास्ट है, यहाँ गड्ढा कोर के पूरा कोयला निकाला जाता है। ये जो है फिलहाल चंदन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसमें डेको जो कंपनी है हमारी प्राइवेट वो काम कर रही है। चलिए फिर इसको नज़दीक देखते हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना ये इसी के जो पीछे है ना इसी के द्वारा निकाल के वहाँ पर इसको टीला जैसा कह सकते हैं या पहाड़ जो भी आप इसको नाम दें ये बनाया गया है। और आप अभी देख सकते हैं मौसम बेवफा है, कभी भी ये बारिश हो सकती है, आप इसका कोई नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं पूरा पानी भर चुका है, ये जस्ट लाइक अभी भी पानी आ रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं ये झरना टाइप का पानी आ रहा है। और ये पानी का स्रोत मुझे जहाँ तक मालूम है कि दामोदर नदी बगल में है, तो यहाँ से 200 से 300 मीटर के बाद दामोदर नदी है, तो उसी का स्रोत से पानी आ रहा है, क्योंकि इतना तेज पानी और कहीं से आ नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको सामने से, कोशिश करेंगे सामने से दिखाने का। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सामने जो है ये पानी दामोदर का है, ये दामोदर से पानी आ रहा है। और उसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा हो जो मेरे उंगली के सामने, यहाँ पे पाइप के द्वारा पानी ऊपर निकाला जा रहा है। और ये फिलहाल प्रोजेक्ट अभी बंद है और एक महीने के अंदर फिर चालू होने की आशंका, जो कि मैंने बताया प्राइवेट कंपनी डेको जो है ये इसके अंतर्गत चल रहा है। और यहाँ पर ट्रेंच कटिंग करके आप देख सकते हैं वहाँ भी तेज़ धार है अगर आपको आवाज़ आती हुई पानी को तो। और फिलहाल अभी सारी गाड़ियाँ भी लगी है सामने, और ये चंदन प्रोजेक्ट नाम से फेमस है। और ये जो लगा देख रही है ये उठने वाली है,
और इसी का जो अंश जो निकला है ना ये यहाँ पे दिया गया है, ये इसको ऊपर किया गया है और इसके जाने का जो रास्ता है हम लोग इस तरफ से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात का मौसम है तो हमें सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये रोपवे। और अभी फिर बूंदाबांदी चालू है, अगर आपको थोड़ा कैमरे के लेंस पे पता चले तो बूंदाबांदी चालू है क्योंकि मौसम आप देख सकते बेवफा है। और फिर भी हम चलेंगे कंटिन्यू ब्लॉक में, चलिए हमारे साथ फिर बनते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि ये पत्थरों में पेड़ पौधे कैसे आ गए, तो बता दूं कि इसके बीच में कुछ मिट्टी का भी अंश है, तो अगर ये एक साल तक ऐसा पड़ा रहा तो यहाँ पूरा पेड़ पौधा आ जाएगा। अभी जैसे ही बरसात आए हैं ये पेड़ पौधे लग चुके हैं और फिलहाल हम लोग ऑन द वे है, इसके आगे थोड़ा जाना है हमें। और ब्लॉक थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आप एक ट्रैकिंग में हैं लोग हैं और अभी तो चढ़ाई नहीं है क्योंकि अभी ऊपर जाके रास्ता बिल्कुल प्लेन है, रोड बनाया गया है, पर जो बारिश हुई है ना तो मिट्टी थोड़ा खसक गया होगा और सबसे ज़्यादा डर रहा है मिट्टी खसकने का। और ऊपर में थोड़ा आग भी लगा, इसके पहले मैं जो गया था तो ऊपर आग भी हमें दिखा था क्योंकि जो वहाँ पे कोल माइंस में आग लगी अधिकतर आपको मालूम हो तो, क्योंकि ये जो झरिया लगा पड़ता है यहाँ पे कहीं अलग का भी डंप, जिसको डंप बोलते हैं हम लोग, डंप ला के भी रखा गया है। तो फिलहाल हम लोग इस वे से जा रहे हैं और ऐसा ही रास्ता पर उसको चढ़ाई जस्ट लाइक ऊपर चढ़ना हमें। ये ट्रेकिंग थोड़ा अभी सही आपको मेरी बोली से लग रहा होगा, मैं जैसा इस ऊपर जाऊँगा ना तो फिर आएगा। और बूंदाबांदी थोड़ी सी चालू, अगर तेज़ बारिश होगी तो फिर तो मेरा कैमरा फोन सब जाएगा, फिर भी आपके लिए भाई करेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करो दोस्तों, सपोर्ट करो, लाइक करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रैकिंग देखे होंगे, ये ट्रैकिंग कुछ हटके है। क्या हटके है ये देखते हैं। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये धुआं निकल रहा ना, वो कोयला का स्टोर है, वो कोयला का स्टोर है और वहाँ पे धुआं निकल रहा है क्योंकि वहाँ आग लग चुका है। और आप देख रहे हैं ये पूरा पानी, ये पूरा दामोदर का पानी, इससे पहले मैंने बताया पूरा दामोदर का पानी आ रहा है। और अगर इस तरह से प्रोजेक्ट बन रहा तो लगता है ये भर जाएगा पूरा, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था पिछले वर्ष बारिश में तो पूरा भर गया था, पर तीन चार मोटर पंपों के द्वारा यहाँ से पानी निष्कासित किया जा रहा है कि बाहर की ओर निकले और ये फिर वापस दामोदर में जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही हो और पानी के साथ जो होता है ना लाल मिट्टी, लोहे का अंश बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोहे का भी अंश आ रहा है, लाल मिट्टी। और फिलहाल काम पूरा बंद, इस साइड में कोयला निकलता है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ये चंदन प्रोजेक्ट है जो कि ये पाथरडी सुदामडी एरिया में है, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी मैंने ये बात देखी है कि सरकारी तंत्र की जो होते हैं ना वह बर्बादी बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं पीछे हमारा एक लोहे का वो बहुत ही पुराना, मैं बहुत करीब करीब इसको 10-15 वर्षों से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे ये सड़ चुका है और इसकी कोई रक्षा करने वाली नहीं। चलिए फिर हम ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं हम ट्रैकिंग में। और ये देखिए इसके ऊपर हमें जाना है और अभी जस्ट हमें यहाँ से ही मुड़ना है, हम यहाँ से मुड़ेंगे। और ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना ये भी इसके हाइट का था पर इसको काट के छोटा किया गया है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना हरा भरा हो चुका है, ये भी मतलब कृत्रिम पहाड़ था, मैंने कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया ये भी पहाड़ था। और अब ये देखिए यहाँ से थोड़ा मिट्टी का, मुझे सबसे बड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा सांपों का क्योंकि बरसात का मौसम है और पहाड़ी इलाकों में सांप अधिकतर रास्ते में लेते रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे की चढ़ाई, चढ़ाई से हमें उस चोटी पर जाना ऊपर। तो फिर हमारे साथ बने रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं बता दूँ कि दिलेलन वॉयज अपना ऑफिशियल टी शर्ट लॉन्च कर रहा है, अगर आप उस टी शर्ट को परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ 325 विथ डिलीवरी चार्ज, विथ कुरियर चार्ज के साथ 325 रुपये का है। तो बहुत जल्दी टी शर्ट आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना एड्रेस और विथ पेमेंट भी हमें कर सकते हैं और विद इन 21-23 डेज के अंदर वो टी शर्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर ऊपर और ट्रैकिंग में बनी रही हमारे साथ। आपको इस रोपवे के बारे में बता दूं सिर्फ कि ये इधर जो है टाटा जामा डोबा की तरफ से आता है और इधर चास नाला तक ही जाता है जहाँ पे
1975-76 के आसपास जो खान दुर्घटना हुई थी उसमें एक मूवी भी आई थी आपका काला पत्थर, शायद काला पत्थर ही था, और ये वो है अमिताभ बच्चन का जिन्हें उसमें रोल किया था। तो ये वहीं तक जाती है, पहले ये वेस्ट बंगाल के बर्नपुर तक जाती थी, और एक साइड से ये जो रोपवे है ना इसमें एक साइड से बालू सैंड और एक साइड से कोयला कोल जाता था, और अब ये सिर्फ चास नाल तक ही सीमित कर रह गया है। और अभी इसमें कोल लोडेड है, मैंने देखा था कि इसमें से वॉश्ड कोल होते हैं ना वो लोड था। आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा है, क्योंकि इसके पहले जो मैं आया था बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, 2 महीने करीब पहले मैं आया था बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अब जो है ना चढ़ाई थोड़ा बढ़ता जा रहा है, चढ़ाई जो है जा रहा है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं कि बारिश ने किस तरह से मिट्टियों को खड़र कर दिया है। चलते हैं फिर। जाना है तो वहाँ पर ऊपर इसके ऊपर, फिर इधर जाना है हमें, फिर इधर ही जाना है। तो ब्लॉग बहुत लंबा जाएगा, बनी रही है हमारे साथ। देख सकते हैं यहाँ पे तो अगर आपको ऊपर दिख रहा हो मेरे ऊपर तो हल्का हल्का धुआं दिखता होगा। अभी थोड़ी बारिश हुई तो आग थोड़ा कमा है, पर पूरी जगह में आग लगी हुई थी, धुआं निकल रहा था, जिस तरह से धुआं निकल रहा था। और अभी आपने हमारे पीछे 2-3 महिलाएं देखी है, वो मतलब कि जब कोल डंप हुआ होगा या हुआ था तो उस टाइम पे पत्थर के साथ कोयले भी आते हैं, वो उसी को बिन रही थी ताकि उनका रोजी रोटी चल सके। मैंने कहा ना कि झारखंड में कोयले से बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोग इसके भरोसे टिके हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जाऊँ आगे से, क्योंकि थोड़ा डर भी है, घर स्नेक का डर तो है ही। देख सकते हैं भैया जो बाइक लेके जा रहे हैं ना, ये जैसे बोलता ना घर, वो है इसका घरों बनाने घर बनाने वगैरह टोकरी बिलने वगैरह में काम आता है। अब देखिए यहाँ से क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है लीजिएगा। फिलहाल तो ये बंद है, मौसम भी अभी तो देखे धूप खत्म हुई है, डर है बारिश ना आ जाए। और आप हमारे पीछे अगर फिर से देख सकते हैं, गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मतलब कि आग लगी। और आप अगर आपको ना दिख रहा हो पर मुझे यहाँ फील हो रहा है, क्योंकि जो बदबू है ना मीथेन गैस वो है, सांस लेने थोड़ी प्रॉब्लम सी भी आती है यहाँ पे। और अब देखिए हमें कहाँ जाना है, ये रहा हाइट। अभी हमें ऊपर पार करना है, करीब करीब 300-400 मीटर में भी और चलना है ऊपर। और सबसे बड़ी बात पता भी क्या अच्छा लगता है देखने में, आप देख रहे हैं सामने, ये सामने ना अगर आपको दिख रहा हो तो एक पेड़ निकला है, पत्थर में पौधे लगे हैं। और इस जगह में जो हाइट किया गया है तो सरकार से मुझे ये नियत होगी कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिया जाए, क्योंकि मिट्टी डाल के पत्थर में तो आएंगे नहीं, इसे पेड़ पौधे लगा दिया जाए तो ये पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये फिर बने रहिए, और फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube पे नए हों सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वो घंटा बजा देना लाइक। चलिए, और ये पता भैया कैसा फीलिंग आ रहा है, जैसे माझी मूवी में पत्थरों काट के बनाया गया था ना, कि जस्ट वैसा ही आपको लग रहा है यहाँ से। और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, और मुझे तो एक्साइटेड हो रहा है कि जब बारिश तेज होगी ना तो यहाँ पर जो वाटरफॉल जो होगा ना, ओहो माशाल्लाह क्या देखने में अच्छा लगेगा। मैं तो ये चाहूंगा बारिश अभी ना हो, अगर हो गई तो फिर हम भी टॉप पे हैं, थोड़ा सा और चढ़ना है,
इतनी चढ़ाई तो नहीं है, आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे जो मिट्टी दी गई है, तो जो बारिश हुआ है तो मिट्टी अंदर बैठती है, तो यहाँ पे थोड़ा देख के भी कदम रखना पड़ता है कि वो नीचे ना लेके चला जाए। ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे, एक दो फीट नीचे जा सकते हैं, पर जाने में दिक्कत ये कि आपका पैर हाँ डैमेज हो सकता है, छिल मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी हरियाली एकदम पूरी, इसके पहले इतनी हरियाली नहीं थी। अभी लोग देख रहे हैं इसको खैर बोलते हैं, बहुत जगह सीख बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके लैंग्वेज में आपको आपके स्टेट में आप इसे क्या बोलते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसे क्या बोलते हैं आपके इलाके में। और मुझे जहाँ तक मालूम है इसके जो गांव के लोग हैं ना, इसका टोकरी सूप वगैरह बनाते हैं, फिलहाल घर को छज्जा वाला घर में भी काम आता है। तो आइए फिलहाल हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, सांस खुली है, और आप यहाँ देखिए ये डेंजरस है, बारिश के बाद जो होता है ना भूस्खलन, थोड़ा यही वाला आपको फीलिंग आएगा भूस्खलन वाला। मैंने कैमरा कोशिश किया आगे बढ़ते और टॉप पे, फिलहाल भाई आपका टॉप पे है और थोड़ा सा इसके पीछे और है, उस पर भी चलेंगे। आप पीछे देखिए कितना डरावना है, थोड़ा सा डर लग रहा है इसको देख के भी, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी डर लग रहा है। और यहाँ पीली मिट्टी दी गई है, ओ ओ भाई गॉड, आप देख सकते हैं क्या मौसम बना है, ये पूरा एरिया ये जैसे मैं खड़ा हूँ ना, पीछे मेरे इष्ट है ये पूरा, मेरे सामने वेस्ट, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये बड़ा उत्तर नॉर्थ यानी सामने सामने। मैं बता दूँ कि यहाँ से 8 किलोमीटर समथिंग आगे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल टिगर लिस्ट पड़ जाएगा। और अगर आपको सामने वो दिख रहा हो ना, ये से खड़ा हम सामने देखो, वो संदालडी का थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे कोल आपका बॉस होता है, सामने जो दिख रहा है ये सुदामी कोल वासरी है, यहाँ भी कोल का वॉश होता है। और जस्ट मेरे पीछे ये दिख रहा है, ये पाथरडी कोल वासरी है, यहाँ भी कोल वॉश होता है, ये नया नया बना है फिलहाल अभी। और ये पूरा इलाका पूरा हरियालियों से भरा पड़ा है, और इधर थोड़ा सा 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और हवा यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रफ्तार से चल रही है। चलिए फिर डिटेल से बताते हैं। दोस्तों फिलहाल पानी तेज आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा तेज पानी आ रहा है इस साइड, देखिए अगर आपको दिखता हो तो सब पड़ गया है। तो फिलहाल ओ मेरा भाई बता रहे थे जिंदगी तरफ से पानी आ रहा है, तो देखते हैं अगर पटने का रास्ता हो तो ठीक है, तो आगे और आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा ये हाइट पे समथिंग 75 फीट के हाइट पे है ये, और आपने इधर देखा था संतालडी कोल प्लांट था, इधर सुदामडी कोल प्लांट था, पाथरडी कोलवासरी था, और जस्ट सामने सिंदरी ACC था। तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ भी, ताकि हम मोबाइल तो बचा लेंगे कैसे भी करके, चलिए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों चलते हैं, और आप देख सकते हो तो धुंध सा पड़ गया है, क्योंकि वो कैमरे पे ना लेंस पे थोड़ा पानी आया, तो उसको साफ कर देते हैं ताकि आपको भी ट्रस्ट हो जाए कि सच में पानी हो रहा है, क्योंकि कैमरे पे दिखता नहीं होगा। और अभी हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, और वो घंटी का आइकन दबाकर वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोग देख पाएं ये मानव द्वारा बनाया गया पहाड़ है। और अगर मैं अगली बार आता हूँ मौसम साफ रहता है तो फिर उसको भी चलूँगा, क्योंकि यहाँ तो मौसम ख़राब हुआ है। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए, और टारगेट तो था उस पहाड़ पर भी जाने का, पर जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं नहीं जा पाऊँगा। फिलहाल हम लोग डिक्रीज मूड पे है, और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, और मैं फिर से बता दूं कि हमारा ऑफिशियल टी शर्ट लॉन्च होने वाला है, तो आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे उतर रहे हैं,
और अभी आपने जो देखा था कि जो दो तीन महिलाएं कोयला चुन रही थी वो भी फरार है क्योंकि मौसम जो ऐसा है। और मैं उसी स्टेज पे हूँ जहाँ पे आग लगा था, ये ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं, तो वहीं से धुआं का आग का है। और अब बारिश थोड़ी तेज हो रही है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। भाव तो दे रहा है, जा तो आ रहा है अभी ज्यादा ऊपर, इतना नीचे नहीं है, ये कम पानी पड़ेगा, इतना हाइट पे ना कम पानी पड़ेगा फिर भी भीग जाएंगे। पूरा एकदम गीला हो गया क्या भाई, पूरा गीला 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 फिर भी ब्लॉग बनाया।